इस जगह पे हम लोग हैं। थोड़ा सोचा अपडेट कर दूं। जिस जगह पे अभी हम लोग हैं वो कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। यमतंग से जीरो वैली गाइस देख रहे हो ना क्या नजारे हैं। हमारा हो गया है एंड वी आर ऑल सेट। बारिश रुक नहीं रही है एंड रवि भाई और अमन भाई की दोनों की तबीयत ठीक नहीं है तो दोनों अभी यहीं पे रुक रहे हैं होटल में ही। एंड मैं राहुल भाई और आशीष भाई निकल रहे हैं बादल की गरजने की आवाज। राहुल भाई आज तो कुछ बवाल होने वाला है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है कल शाम से। बट वी डिसाइडेड कि हम लोग को चलना है। क्या रहा भाई? हाँ निकलेंगे अभी हम लोग, थोड़ा रिफ्यूलिंग वगैरह कर लेते हैं। हाँ एक्स्ट्रा रिफ्यूलिंग, एक चीज रिफ्यूलिंग का, एक जो सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप अगर मनांग से निकल रहे हैं आपका लाचिंग तो हो जाएगा, ठीक है, आप गुरुद्वारा लिख भी हो जाएगा, बट आप रिटर्न जब आइएगा यहाँ पे जीरो पॉइंट के लिए आपके पास फ्यूल नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए मनांग के लास्ट पेट्रोल पंप होता है, वहाँ से आप फ्यूल जरूर कैरी कर लिए। हम लोग 10 लीटर हमने फ्यूल कैरी कर लिया है एंड अभी उसके रिफ्यूलिंग हम लोग अभी लाचिंग में कर रहे हैं एंड यहाँ से भी हम लोग निकलेंगे जीरो पॉइंट के लिए। राहुल भाई चलिए फटाफट से रिफ्यूलिंग कर लिया जाए। एक बॉटल की हमने कट कराई है और इसे ऐसे यूज करेंगे। आइए भैया टंकी पेट्रोल यहाँ पे करना था। हम लोग अभी कुछ हद तक बाइक में देख कुछ तेल पेट्रोल कुछ डाल लेते हैं ताकि आगे जो है दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम नहीं आए। अरे इसमें ज्यादा डलाएगा, उसमें डीजल लीटर में काम चलेगा। अरे किसमें? इसमें ज्यादा डलाएगा। चलो अभी यहाँ से अच्छे से आइए और दूसरे वाले हाले में रिफिल कर दिया जाए। बारिश रुक नहीं गई है, जो जज्बा और स्प्रिट है वो काफी भारी है। इस वाली पहले को कवर की कोशिश करते हैं। और ये राहुल भाई का दीदी है, राहुल भाई का दीदी है कि चलना है। मैं भी डिसाइडेड है कि नहीं भाई आए हैं तो जीरो पॉइंट जरूर चलेंगे। अब इसके लिए हुक एंड क्रूक जो भी लगे अपन पूरा ड्राई लग रहा है। इधर घुमाई ना उसका कटल का मुझे घुमा ना फंस जाता है इसमें। अच्छा रिफ्यूलिंग का यहाँ पे और शायद फ्यूल भी है मिलता नहीं मिलेगा। नहीं पेट्रोल पंप एक भी नहीं है, पेट्रोल पंप एक भी नहीं है जो है मनांग है 40-50 किलोमीटर नीचे से आपको मोबाइल फील्ड में पेट्रोल लाने जाना पड़ेगा। कैरी नहीं करेंगे 50 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो यू कैन इमेजिन आपको 100 किलोमीटर का तो आपको रिफ्यूलिंग के लिए आपको ये लगेगा। तो बाकी केन को फिर से संभाल के रखना है क्योंकि भाई साहब ये परसों वाला जेरी केन है और हमने 100 रुपया पर केन खरीदा है। 100 रुपीज केन का भी पड़ा तो अगर जेरी केन हमारे पास नहीं था तो 100 रुपीज का जो है मोबाइल हो या पर्सनल रिफाइंड वाले केन है। बैटरी एकदम फुल फुल हो चुका है। ठीक है सही है चलिए तो रिफ्यूलिंग हो गई है एंड जीरो वैली। ये मौसम देखिए यहाँ का कितना सुहाना। और अभिमनी भाई All set? All set. ठीक बात है, बहुत अच्छे से जाइएगा। है मुसीब जर्नी
झुट गो बाइक नंबर BR0 हाँ जी 9461 क्या करता है पैसा उठाता है फिर यहाँ जाते हैं कि नहीं देखो एसोसिएशन था ऊपर का क्या स्थिति है कैसा है वेदर अभी बहुत गिरा गुंडा से थोड़ा नीचे में गिरा इस तरह इसको फल लेफ्ट में खाली रोल भाई उसके ग्लव को लेगा पूरा अंदर पानी कैसे जा रहा है भाई सत्य नमः बिजना तुम्हें बोलो हमारे सामने तो ये सफेद हो गए अच्छा ये सुबह काला हुआ अभी अभी सुबह काला था हम लोग यहाँ बना रहा है
जैसा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और नाम है एक्सप्लोर इम्पॉसिबल, तो मंथ चल रहा है अभी मई, और मई में हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हो अभी स्नोफॉल हो रहा है चारों तरफ हमारे फ्रेश स्नो बिल्कुल। ये देखो क्या नजारे हैं, दिखाइए चारों तरफ से, मतलब देख सकते हो बिल्कुल एकदम फ्रेश स्नो, मतलब जहां तक नजर गए वहां तक एकदम बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश। ये मतलब ये लाइफ का मतलब जो एंजॉय करने का जो मूड है ना वो इन बादलों में है, देख सकते हैं बिल्कुल अभी फ्रेश स्नो। वाह अनबिलीवेबल, क्या नजारे हैं। और अभी तो और आगे हमें जाना है, तो क्या सीन होने वाला आप सोच सकते हो, पूरा गीला है पूरा का पूरा, फिर भी हम लोग राइड कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी इससे भी जबरदस्त वीडियो आने वाला है। तो एंजॉय कीजिए एकदम बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल का, तो दिखाइए कैसे स्नोबर्ड होते हैं। ये देखिए देखिए पूरे एकदम देखिए बिल्कुल फ्रेश स्नो, देख रहे हैं ये सब क्रिस्टल क्लियर स्नो, देखिए